हमार चोरी हो गल छिलेटे में का हुआ हमार चोरी हो गल छिलेटे में कहां से चोरी हुआ है आ हम ये जगह ये पर नहलाय छिलेट लेकर क्या आया है ता करेगा बदमाशी झूठ बोलाई शंकर कुमार स्लेट लिया है नहीं सर मैं स्लेट पर पढ़ाई नहीं करता हूँ कॉपी पर पढ़ाई करता हूँ सही बात है सही बात है स्लेट नहीं लिया है क्या दी आप लोग स्लेट लिए हैं मैं अरे लड़की लोग भी नहीं बोलती है कि सर हम नहीं स्लेट के मैं नहीं जानती हूँ साहब का चेक कीजिए क्या चेक करें क्या चेक करें बदमाश टोटो के करेगा हरम जिंदगी तू पागल कहीं बड़ी महंगा छिलेटवा है सर हम तो चेक के करबो स्कूलवा में से पर थानवा गए तक तो कौन चुरा लड़की उठो जी उठो दो सुशीला कुमारी उठो कहाँ है उठो दो जी कहाँ है उठो कहाँ है बदमाश कहाँ है सब कहे छे छे चले कहूँ तो सुशीला कुमारी बढ़ो तो आगे अरे बदमाश आगे तू चली तो गे आगे मोट की तू आई तेगे कहा है ये बड़ा इच्छे इच्छे चला है बेबी कुमारी सुनो इसका भी कहना ठीक है हमरा छार जी एक पर छाक जाओ अच्छा ठहर जाओ ठहर जाओ तेरे पैर जो है पैर फैलाओ तो अरे दोनों पैर मैं ऐसे फैलाओ ऐसे फैलाओ गिर बेचार गिर चलो बैठो बदमाश कहेगी चोरी करने के लिए स्कूल में आती है बहुत मार मारेंगे सर जी का हो रे ये फूक रहा है गम का सुनो जी हाजिरी बोल रहा हूं जो जो हाजिरी में नहीं बोलेगा तो बेटा नाम नहीं लिखाएगा जे नाम नहीं लिखाएगा सरकार घर से छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तुमको क्या जाएगा ठीक है सर हमारा ड्यूटी है पढ़ाने के पढ़ाएंगे जो जो नाम नहीं बोलेगा उसका छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा आप सर साहब के लेथुन उघाड़ रखुन है अपन अपन खोल लिया लेथुन बहुत बोलता है कहाली ने छार कि अपन अपन कानवा खोल लिया सर जी हजारिया ले थून अच्छा तो यही ना देखो तो कितना बढ़िया बात तूने बोला तो वही ना कल के अपन अपन कानवा खोल लिया ले थून ठीक है सुशीला कुमारी बेटी बड़ी कमी है पढ़ाई में आज नहीं कल तुमको बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाएंगे हम समझ गई ना बेबी कुमारी धनकुरी कुमारी उषा कुमारी देखो तो कितना अच्छा से बोलती है जे ना चार मक्खिया उगली तो ऐसे उगली क्या अगले आखिया पड़ता ऐसे हो गए बहुत मार मारेंगे समझ जा शंकर कुमार भोग का प्रसाद इपट्टी से उपट्टी अरे बदमाश हमने हाजिरी लगाता हूँ तो कहता है कि इपट्टी से उपट्टी हर घर में उपट्टी तथा अरे हम हाजिरी ना बोल रहे हैं बेटा तुमको कहना चाहिए उपस्थित हूँ सर ना तो जय भारत बोलो उपस्थित हूँ तो वही बोला अगले सर की पट्टी से उपट्टी नहीं अच्छा खोल करके रखना अच्छा ठीक है बोका प्रसाद उपस्थित हूँ श्रीमान जी बैठो बेटा बैठो हो गया है सुनो बहादुर जी तुम्हें पढ़ाई लिखाई में बड़ी मेरी कमी देखता हूँ जे समय नहीं है कि मैं ज्यादा
समय तक पढ़ा सकता हूँ। लिखने के बाद कहता हूँ बेटा जी, तुम गरीब घर का बच्चा हो जी, हाँ ये ही पढ़ लिख जाओगे, विकास करोगे जी, यानी थाना प्रभारी भी बन सकते हो, स्कूल का टीचर भी बन सकते हो। तो तुम्हें बेटा मैं पढ़ा देता हूँ, जिस ढंग से मैं पढ़ाऊंगा जी उसी ढंग से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है सर, समझ गया ना? हाँ हाँ ठीक है। सुनो बेटा बोक्का प्रसाद, सुनो बेटा बोक्का प्रसाद, अरे हम बुला रहे हैं बेटा, हम बुला रहे हैं बेटा, अरे हम पढ़ा देंगे बहादुर, हम पढ़ा रहे हैं बहादुर, क्या पढ़ेगा ही, क्या पढ़ेगा ही, हम इसको सोचते हैं कि आगे बढ़ा देंगे, गरीब घर का बच्चा है क्या पढ़ेगा, हम इसको सोचते हैं कि आगे बढ़ा देंगे, गरीब घर के बच्चा है, अरे हम मास्टर रहे बेटा, अरे हम मास्टर ना रे बेटा, पागल करके छोड़ देगा, पागल करके छोड़ देगा, पागल करके छोड़ देगा ये, पागल करके छोड़ देगा, अरे नाम काट देंगे स्कूल से, अरे नाम काट देंगे तुमको स्कूल से रे, हमको काट देगा, तू हमको काट देगा, गुस्सा लादे लाएगा हमको, गुस्सा लादेगा तू हमको। सुनो बेटा, सुनो बेटा, अरे हम मास्टर ना है रे, अरे हम मास्टर ना है रे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, ठहर जाओ, ठहर जाओ, नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे रे, शाम छुड़ा लेंगे, तो चमड़िया छुड़ा लूँ रे। शंकर कुमार, हमने सोचा कि चंडाल को पढ़ा देंगे, पढ़ लेगा, लेकिन क्या पढ़ेगा ये, तो नहीं तरह माहिंगे जो पढ़ दे मेरे तो नहीं रहा, अरे अरे सर पढ़ाओ यार, हमने बोला हूँ कि पढ़ा लिखा देंगे बेटा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जो जो बात को हमने बोलता हूँ वही बात को पलट देता है। श्रीमान इसमें आपको गलती है। कैसे? आप बोक्का प्रसाद के क्या कहे थे कि मैं जैसे जैसे बोलूंगा औसे औसे तुमको बोलना होगा। आप जानते हैं कि बोक्का प्रसाद है, जिस प्रकार से आप बोलने के लिए इसे बोले उसी प्रकार से बोलने चला गया, वही बात को धार लिया, वही बात की रट लगा ली, सही बात मैंने बोल ली भाई, चलो बैठो। सुनो बहादुर, टिफिन का समय हो गया है, टुनटुनिया लगा दो, टुनटुनिया लगा दिया है, हाँ ला रे भाई वाह, टनटन वाला एक वो से। क्या क्या आदमी से पला पड़ता है, हमने सोचा कि सभी लड़कों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, विद्या देंगे, लेकिन वो चंडाला नहीं पढ़ेगा, बोक्का नाम है सही में बोक्का हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर आराम करके अपने घर चलेंगी। हेलो भाई शंकर, बहन सुशीला, चला चला
जलना भैया के मुला कतबा भाई आज पीता से चला जाए, स्कूल से छुट्टी हो गया है, पिताजी आसरा जोते होंगे, हम लोग को जल्द चलना चाहिए। हाँ बहन सुशीला चलो, पिताजी से मुलाकात करता हूँ। पिताजी के चरण में प्रणाम करता हूँ। क्या शंकर, सुशीला, पिताजी दोनों भाई बहन स्कूल से पढ़कर आ गया। हाँ पिताजी। ये बतलाओ सुशीला कि स्कूल में दोनों भाई बहन पढ़ने के लिए जाते हो और तू भी जाती हो। हाँ। पढ़ाई लिखाई में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है पिताजी। अच्छा लगती है ना? हाँ। तुम्हें भी अच्छा? पिताजी आज स्कूल में जो भी लिखा हूँ वो देखिए कितने सुंदर की बात है। देखिए देखिए कितने अच्छा लिखा हूँ। देखिए पिताजी। शंकर पिताजी, अरे तुम ए बी सी डी भी याद कर लिया? हाँ पिताजी। हाँ पिताजी। शंकर बेटा, मैं तेरे दोनों भाई बहन से कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। हाँ शंकर, मैं क्या कहूँ, तेरे दोनों भाई बहन ए स्कूल में चल जाते हो, मैं राज बंगले पर बैठे बैठे मैं बहुत उदास रहता हूँ, इसलिए दोनों भाई बहन से मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। और क्या कहता हूँ जो सुन लो। कहिए पिताजी। ते लोग दोनों भाई बहन पढ़ने लिखने के लिए चल जाते हो, मैं राज बंगले पर बैठे बैठे इसलिए सुनो। अरे खेले
लागी जाई बहसा। पिताजी आहो जंगल में हो जी हो जंगल में हो शंकर। पिताजी बैठे बैठे अपने राज में हमें दिल नहीं लगता है, जिससे लग रहा है कि चल क्या कैसे कार खेलूं। सुनिए पिताजी, मेरी माँ सत्य की चली गई, आप हम दोनों के साथ वादा किए थे। अच्छा, कि कभी छोड़ करें अपने कलेजे से कभी दूर नहीं करूँगा, और आज दूर करने की बात सोचते हैं पिताजी। नहीं शोशिया, महेंद्रपुर राज में जिस दिन से तेलों का महास्वर्ग बास कर गई है, उस दिन तारीख से मैंने किसी जंगल में शिकार खेला नहीं। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मेरे रानी स्वर्गवास हो गई है, चल के किसी जंगल में शिकार खेल लेते तो दिल के इसलिए बेटी चिंता करने का कोई बात नहीं है। तेलों दोनों भाई बहन से
मैंने वादा करके जाता हूँ कि दिन सगर शिकार खेलूंगा और शाम को स्वयं वापस महल आ जाऊंगा। क्या आप दिन भर शिकार खेलिएगा शाम को वापस आ जाइएगा? हाँ। लेकिन पिताजी क्या जब आप जाइएगा तो मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। क्या चीज लेते आएंगे बताओ? सुनिए सुनाओ। हमारा ला पिताजी सुशीला आप जो जाइएगा अच्छा तो मेरे लिए सुप निमोनी ले। क्या सुप निमोनी? अरे दरबार बहादुर मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ समझा? तू जा रही है? हाँ मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ हमने के छोड़ के। अरे बेहुदा कहीं का तो है हमरा जाएंगे शाम के आ जाएंगे। अरे बेहुदा हाँ, लगी अच्छा तो सुशीला को कहना है कि पिताजी आप शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं हम लोग को छोड़ करके जी तो हमको लिए एक खिलौना लेते आइएगा। क्या लेते आइएगा? काउची एक सुपली और मौनी होना चाहिए जे। हाँ और शंकर मालिक ठीक है सुशीला जाओ मैंने वादा किया कि हमें मिल जाएगा तो सुपली और मौनी तुम्हें लिए आवासीय आवास सब लेते आएंगे। पिताजी क्या शंकर मेरा क्या कहना है और जंगल से क्या लेते आना है जो सुन लीजिए। I'm not.
पिताजी क्या जंगल से हमारे लिए ए मिर्गा की बच्चे हमें खिलौना लिखते आइएगा पिताजी। शंकर सुशीला को सुपली और मौनी खिलौना फरमाइश है, तुम्हारे लिए मिर्गा फरमाइश है, जाओ मैंने वादा करता हूँ कि मैं लेने आऊंगा। ठीक है पिताजी। ए मालिक जी। ठीक है शंकर, अच्छे ढंग से तिलोग रहना और समय समय हो सकता है कि मान ले जाए कि एक आदमी समय मर गया तो तेलोग स्कूल नहीं छोड़ना। पिताजी इधर मालिक के समझा दीजिए। ठीक हम जा रहे हैं। ए मालिक जी तेने आवा। क्या बात है बोलो। उनका नहीं लगे खिलौन लाइबू हमारा लेना। दरपाल जी अरे अबोद अबोध संकट सोचीला है तो उसे रिझा देना बुझा देना, ये मेरा ही काम है जी। खिलौना मंगाया है खिलौना हम लेते आएंगे, कौन ऐसा भारी बात है। हमरो ललैया। तुमको लगी ता? तुमको लगी कौन खिलौना हम लाएंगे कहियो। तब उसको से खेलेगा ना तोरा बेहुदा, तू ना खेलेगा उसको से। हाँ मोर से ना खेलो, उनका नहीं अपना अपना खेल खेलता। हम अपन खेल तो तुम्हारा अलग से खिलौना होना चाहिए। अलग से कैसा खिलौना तुम मंगाते हो बताओ जे। शंकर और सुशीला जो फरमाइश किया, सुशीला की सुपली मौनी और शंकर फरमाइश किया कि मिर्गा होना चाहिए, तो वो सब तो मिल सकता है बेहुदा, लेकिन मौगा औरत कहाँ हमको मिलेगा, पागल है रे बेहुदा। ना समझ ला हूँ बात इतना बोल रहा है मालिक जी, इतना बोल लुपुर लुपुर मटकी मार रहा है। क्या बाजार में खिलौना मिक इतना को ना रहा है ऐसे करबू ना हिलेबू ना तो लुबुर लुबुर मटकी मार तो। समझ गया समझ गया। जिसे बाल बच्चे सब लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं डाउन। हाँ 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 वही वही। डाउन माने गुड़िया ना होता है बदमाश, तो गुड़िया ना कहना चाहिए जे। गुड़िया गुड़िया गुड़िया। हाँ तेरा का हम वो ऐसे ही बोल हम के माओ को बोला है। ठीक है ले ले बना। ठीक है जाओ लेते हैं। ठीक है प्रणाम मालिक जी। खुश रहो मंत्री साहब जी। चलिए शंकर और सुशीला दोनों पुत्र से तो मैंने इजाजत ले लिया, अब चलिए हम लोग किसी वन के पास। ठीक है चला जा। हेलो
अमैया बाबू गे, अमैया बाबू गे, अमैया बाबू गे। बंचड़ भाई सादीपुर, उनका लग गई दिल में ठेस, तो निकाल देखिन 20 रुपया के नोट, ना लग गई दिल में चोट की, निकाल देखिन 20 रुपया के नोट। उन श्रीमान को मैं कंपनी की ओर से धन्यवाद करता हूँ, नोट के मैंने अपने मनी ऑर्डर कर लेता हूँ। कि मैया बाबू गे आया बना जाई बहु फाटा पर कमाल, मैया बाबू गे आया बना जाई बहु फाटा पर कमाल। मैया बाबू गे अपना जाई बहु फाटा पर कमाल, मैया बाबू गे अपना जाई बहु फाटा पर कमाल, मैया बाबू गे अपना जाई बहु फाटा पर कमाल। एक बूट हेलो घोर जंगल में मैं रहती हूँ, मेरे नाम बिल्जू बंजारनी है, और चल कर इस घना घोर जंगल में मैं बाहर लूटती हूँ। साहब जी, हम लोग महेंद्रपुर आज से कुछ दूर आए हैं, और जंगल अभी कुछ दूर और बच रहा है, चला जाए। ठीक है, चलिए।
जी साहब जी, देखिए कोप काप जंगल में ये हम लोग आ पहुंचे हैं। इसी जंगल में हम लोग दोनों मिलकर शिकार खेलिए और शिकार खेलकर मैं हंद्रपुर आज वापस लौटूंगा, क्योंकि छोटे छोटे हम लोग का दो पुत्र हैं, अधिक ये बहुत हड़ियाएंगे, समझ गए? ठीक है, खेला जाए। जिस प्रकार से हमें रानी गुजर गई है, लग रहा है कि मैं भी अब हमारा प्राण नहीं बच पाएगा। मंत्री साहब जी सुनिए, आज बारी जरा सा प्यास मंत्री जी, प्यास लग चुका। मैं इस जंगल में अब क्या करूं, जिसे लग रहा है कि हमें प्यास से अब प्राण हमें नहीं बच पाएगा। मंत्री साहब जी, जितना जल्दी से जल्दी हो जंगल से एक लोटा हमें जल पिलाइए। मंत्री साहब जल्दी पिलाइए, मंत्री साहब।
हे भगवान मैं इस जंगल में अब क्या करूं। अरे बना ही क्या बोल इसी घाना घोर जंगल में मंत्री से मंत्री कर कर पुकार रहा है। चलो और उस मनुष्य के पास जाकर मैं देखूं। राजा बेटा शंकर राजा हे भगवान अब इसको अब जंगल में मैं क्या करूं। ई बताइए बेटा शंकर बेटी सुशीला कहेगी कि पिताजी शिकार खेलने के लिए गए हैं तो वापस अवश्य अवश्य आएंगे, लेकिन इस जंगल में प्यासे अब नहीं बचूंगा। राजन राजन हे महारानी हे इस जंगल का देवी आप इस जंगल का कौन है? देवी है कि देवता है? देवी है कि देवता है कि कोई भूत है कि कोई प्रेत है? कौन है देवी? हे महारानी आप कौन है इस जंगल को? राजन नहीं देवी नहीं देवता नहीं भूत नहीं प्रेत
मैं एक मानुष हूँ, घाना घोर जंगल की रहने वाली, मेरे नाम बिल्जू बंजारनी है राजा। क्या? इस जंगल का रहने वाली आप बंजारनी है? हाँ। हे महारानी, ये हमसे, मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहने के लिए चाह रहे हैं? सुन लीजिए। सुनाइए। आज ये कलोटा चार। हेलो। हेलो। शिकार खेलने के लिए आया था। अच्छा। लेकिन बहुत जोर से हमें प्यास लग चुका है, साथ साथ हमारे मंत्री था वो शास्त्री लेके भी चंडाल भाग गया। हे महारानी, आप इस जंगल का वासी हैं। हाँ। तो हमें जान बचा दीजिए महारानी, जान बचा दीजिए राजा, जान बचा दीजिए महारानी। ठीक है, जान बचा सकती हूँ, बाकी एक सवाल मैं करना मैं चाहती हूँ आपसे। क्या हमसे? हाँ। कुछ कहने के लिए चाहते हैं? हाँ राजा। क्या कहने के लिए चाहते हैं? पहले जीवन बचाइए, जीवन बचाइए महारानी, पहले हमें जीवन बचाइए। ठीक है, आपका मैं जीवन बचा सकती हूँ, पानी पीजिएगा ना। हाँ ठीक है, इसी जगह बैठी मैं पानी लाके मैं देखती हूँ राजा। क्या देवी? सोनी। राजा ये बताइए, आपका मकान कहाँ है? आपका पतन के क्या नाम है राजा? हे महारानी, हमारे मकान ये महेंद्रपुराज में पड़ता है। अच्छा। और हमारे नाम लोग ये महेंद्र सिंह कहा करते हैं। राजा ये बताइए, क्या आपका प्यास मिटा सकती हूँ? तो हमारी प्यास मिटाइए कि नहीं मिटाइएगा? क्या आपको प्यास? हाँ। हे महारानी, जबकि मानुष में जन्म लिया हूँ, हमारे जीवन का आप स्वयं रक्षा कर रहे हैं। अच्छा। तो भगवान ने करे कि ऐसा आपत्ति किसी पर भी आ पाए, यदि ऐसा आपत्ति आपको पर भी आ जाएगा तो मैं भी वादा करता हूँ कि इसी प्रकार से जरूर बचाऊंगा। ठीक है, राजा लीजिए। हे महारानी, इतना साफ पानी
इस जंगल में इतना साफ, जिसे लग रहा है कि दूध की तरह साफ है। राजा, ये जंगल में इतना साफ पानी कहाँ से आई? ये पहाड़ का पानी है। क्या ये पहाड़? हाँ। पहाड़ कहाँ पे है? ओ देख रहे हैं ना, वो पानी गिरता है पहाड़ में से, पानी पीकर देखिए। मैं तो इस जगह पर जंगल देख रहा हूँ, पहाड़ तो मुझे नजर आता है नहीं, कहाँ पहाड़ है? पहले पानी पी के देखिए कितने स्वाद का पानी है। ये पहाड़ का पानी है? हाँ। हे भगवान, हे ईश्वर, मैं अपने जीवन को बचाने के लिए मैं एक लोटा जल अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूँ। धन्य महारानी, आप इस जंगल में धन है, धन है महारानी, जो कि मरा हुआ आदमी को आप जीवित कर दिए। धन्य महारानी, धन है। राजा, हे देवी, मैं अब अपने हमनगर को चलूं। राजा सुनी, कहने से दिया बलाल राजा जी, आज घाना घोरा जा कालावा, आज घाना घोरा जा काला, लेकिन राजन। महारानी, एक कहाँ से आ रहे थी, क्या करने के लिए घरा घोर जंग में ले आई है राजन? महारानी, मैं क्या कहूँ, मुझे रानी मेरे राज में स्वर्ग वास कर गई थी। अच्छा, मैं सोचा कि मुझे रानी स्वर्ग वास कर गई है तो चलकर जंगल में शिकार खेलकर और दिल को अरमान मिटाकर और उस रानी को ताकि हमें नाम भुला जाओ, इसलिए जंगल में हम शिकार खेलने के लिए आया था। अच्छा, इसी घना घोर जंगल में शिकार करने के लिए आ पाई? हाँ। राजा, पानी पी ली, आप जा रहे हैं, मेरी प्यास मिटा दीजिए ना। क्या आपको प्यास? हाँ। क्या आपको भी प्यास लग चुकी है? हाँ, मेरा प्यास मिटा दीजिए। ये बताइए कि जो पानी लाते हैं कहाँ से लाते हैं? क्या पानी? हाँ। ओ प्यास नहीं, दूसरा प्यास लग चुका है हमारी, मिटा दीजिए राजा। तो प्यास, वो कैसा प्यास है भाई, मैं तो कुछ जानता हूँ नहीं। ओ कैसा प्यास है, सुनिए मैं सुना देती हूँ। राजा जी,
तारा ना पा रे ममाल राजा जी, तारा ना पा रे ममाल राजा जी, आज आजू के राजी। देखा के राजा, क्या आपका सूरत देखी मेरा दिल बास कर चुका है, प्रेम प्यार कीजिए राजा। क्या आप प्रेम का बात निकाल रहे हैं? हाँ। सुनिए 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 सुनिए, आज हमारा गरा आज तू को राजा। हे महारानी, जबकि हमें परम पिता परमेश्वर महेंद्रपुर राज में छोटे छोटे दो लाल दिए हैं, जिन्हें नाम शंकर और सुशीला, तो शादी मोहब्बत करने से क्या जरूरी है? काने कीजिएगा। नहीं सुनी, चढ़ाती ले राजा जी, आज हो बारा जी दासाबा, we'll be right back।
राजन। हे महारानी, इस घना घोर जंगल में जो प्रेम का बात निकालते हैं, हाँ ये बात भूल जाइए, ये बात अपने हृदय से भूल जाइए। हमसे जो मांगना है, धन और संपत्ति पैसा जितना मांगना है मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रेम कभी नहीं कर सकता हूँ। देखिए, धन संपत्ति से हमारे कोई अथी नहीं, मेरे आपका सिर्फ आप चाहिए राजा। नहीं नहीं नहीं, सोनी राजा 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 करे जमे समाजा, राजा 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 करे जमे समाजा, उठावा तानी गोरा भेटाई खूबे राजा। राजा बाहिया बाहिया में कसी के सैया मारन, सुनने के लिए नहीं चाहता है, समझ गई? एक बार क्या है, इस जंगल में अब अपने अपने काम को देखिए और मैं अपने काम को देखता हूँ। सुनिए, आप जा रहे हैं नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर हेमा कुमारी। अगर आप चाहते हैं कि जियो बोका म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।